रही बात जोड़ी मंडल का, तो अभी ये परिवेश में चाहे सरकार सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की, सब सारे सरकार की सारी पॉलिसी फिट है। और अभी का जो भी उम्मीदवार है, हमको नहीं लगता है कि जोड़ी मंडल के कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विगत 10 सालों से यहाँ का जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए वह नहीं हो पाया, उसका जो खड़ा नहीं कर पाया। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से टोली मंडल अभी की डेट में सबसे अच्छा कैंडिडेट है, चाहे वो एजुकेशन का में हो, चाहे एक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे कार सिटी के क्षेत्र में हो। और सरकार की सारी नीतियां फिट कर गई है और सरकार के अगेंस्ट में मैंडेट है, सरकार के अगेंस्ट में सारा मैंडेट आज के डेट में है। और टोली मंडल के पक्ष में सारे मास वोटर्स, यहाँ तक चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो चाहे यूपीए का गठबंधन हो, कैंडिडेट के चलते और यहाँ के नीति के चलते सारे लोग इनके विरोध में हैं। और अपार बहुमत से टोली मंडल मुझे इतना विश्वास है, जो हम जनसंपर्क में चल रहे हैं और जनसंपर्क में चल रहे हैं और लोगों से जो मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इसके कॉन्टेस्ट में कोई नहीं। ऐसा क्या कारण हुआ जो कि आप एक पार्टी गठन की है वंचित समाज पार्टी, और जो लोगों में काफी अब लोकप्रिय हो गई है वंचित समाज पार्टी के लोग, सिर्फ लोग जाने जा रहे हैं और वह भी लोग जाने जा रहे हैं, रतन मंडल जी के नेतृत्व में वह पार्टी का गठन किया गया, ऐसा क्या कारण पड़ा? ये बात तो आपको पता है कि वाइफ और हस्बैंड में बहुत अच्छा रिश्ता है, जब डाइवर्स के स्थिति में जाता सारा खुल गया। जब आदमी को ऐसा लगता है कि इग्नोरेंस हो रहा, हम प्रोफेसर आदमी, हमारे इतने स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, अपना पॉपुलरिटी है, जन्मत है मेरे साथ, इसके बावजूद भी हमारे हमको इग्नोर कर रहा है। हम जिस व्यक्ति को अंगली पकड़ कर राजनीति में लाया और आज उसकी अहमियत बढ़ गई और हम आज इस स्थिति में हैं जब हमको इग्नोर कर रहा, जब इग्नोरेंस सबसे बड़ा डैमेज का पार्ट होता है। इग्नोर हमको लगा कि इसके पास हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं, हमने इस स्थिति में उसको छोड़ा है। हमने तो कहा, नीतीश कुमार को हमने टेलीफोन करके कहा, लेकिन नहीं बात क्या बोला, हम बात कराते लेकिन बात नहीं किया। हमने इसका इंतजार किया कि आप डिस्कशन कर लीजिए, इसके बावजूद भी नहीं, तो हमको लगा कि हाँ हमारे से मोरलिस्ट आदमी, हम वो आदमी बिना रीढ़ के लोग को खोजते, वो आदमी एसमेंट को खोजते, रतन मंडल क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है, हम अपनी वजूद अपनी मेहनत पर बना, हम सेल्फ में हम किसी की कृपा बात नहीं, हम किसी की कृपा से नहीं। नीतीश कुमार को भी हमने आज तक मेहनत किया है, हम दो दो एमएलए बनाए, जब फर्स्ट मुख्यमंत्री बना हम दो एमएलए निर्दलीय पकड़ के अररिया सौ रूपोली पूर्णिया से पकड़ के ला के दिए थे हमने उसके सब, आज कौन जानता था नीतीश कुमार को, भागलपुर में हम नीतीश कुमार इकट्ठे कर सके हैं। और सारे लोग आज गोपाल मंडल हो, अजय मंडल हो या भीमा बाग, हमने सबको पार्टी में लाया और सबको पार्टी में हमने जोड़ा। लेकिन देखिए होशियार लोग को नहीं देखता, जिसमें स्टेमिना उसको नहीं देखता, वो पूर्वक को खोजता और बिना रीढ़ के लोगों को खोजता, ऐसे लोगों को खोजता। हमारे वहां वहां इम्पोर्टेंस नहीं है, हम सब दिन अन्याय के अत्याचार के विरोध में लड़े, हम कॉलेज लाइफ से फ्रॉम बिगनिंग से जब मुझे होश है तब से हम गांव समाज में अन्याय के विरोध में लड़े। और मेरी वसूल है जीवन में, हम सत्ता में परिवर्तन, हमको सिस्टम से, सिस्टम सही नहीं है, हमको सिस्टम को ऑपरेट करना और सिस्टम को ऑपरेट करना, मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही, लेकिन जनता का जो कहना है कि अभी जिस तरह से बाढ़ में महामारी, लोग कई लोग जो है बेघर हो गए बाढ़ के कारण, बाढ़ में कई लोगों की जान गई, भागलपुर संसदीय क्षेत्र में, भागलपुर कई विधानसभा में, कई ऐसे इलाके बाढ़ से पूरा ग्रसित है, हाहाकार मचा है बाढ़ का, तो उसमें अभी जो है सांसद महोदय विधायक महोदय मौजूदा भी जो है आज तक जनता के पास नहीं गए और चुनाव में बराबर नजर आता थे, तो उसमें आप लोगों को क्या बताने जाएंगे? बाढ़ भागलपुर में नहीं, बाढ़ पूरा बिहार में, और यूं कहा जाए कि वास्ट स्टेट देश में, लेकिन सरकार की गलत नीति, सरकार की अव्यवस्था के चलते आज अगर बहुत ऐसे जगह अगर बांध बना दिया जाए, सरकार अगर चाले
तो बाढ़ को भी नियंत्रण कर सकता और प्रोटेक्शन कर सकता, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, उसकी नीति और नियत में दोनों में फूट, कभी उसकी नीति स्पष्ट नहीं। बाढ़ आपदा में आज ऑडिट नहीं होता, उसके सारे पैसा आते हैं, उसका ऑडिट नहीं होता, वो अपना मोनोपोली करते हैं। आपदा मंत्री को पता ही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री उसको रिमोट करते हैं। ये तो स्थिति है। बाढ़ को आज का बात है, ये तो हर साल आता है। व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए, जितना आज हाथ शिविर बना, इसके पहले सब कुछ व्यवस्था कर लेना चाहिए। जहाँ है बांध को निर्माण कर, इतना जो पैसा नहीं जाना चाहिए था, नहीं खर्च होना चाहिए था, लेकिन उसकी नीति नहीं है। जब बाढ़ आएगा पूरा फ्लड हो जाएगा, जब प्रभावित हो जाएगा तब वो बेहाथ मारना शुरू करेगा, और तब तक छोर हो जनता भूखे मर जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता। सरकार की नीयत और नीति में बहुत अंतर है। उसकी नीति अच्छा हो सकता है, नीयत बिल्कुल गलत। नाथनगर विधानसभा अभी भी विकास के नजरिए से देखा जाए तो बहुत कोसों दूर है, और भागलपुर संसदीय क्षेत्र में एक नाथनगर विधानसभा जो कि शहरी क्षेत्र में आता है, लेकिन नाथनगर में विकास अभी भी बहुत, जो भी इससे पहले विधायक थे क्या किए नहीं किए, लेकिन जनता में अभी भी वहां पे समस्या ही समस्या बना है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, जनता वहां से क्या आप विकास करेंगे, क्या आप वहां की समस्या दूर कर पाएंगे? जोड़ी मंडल को अगर जनमत मिल गया और मिलेगा ही, भागलपुर के चारों बगल नाथनगर, भागलपुर नाथनगर में भागलपुर, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक साल का समय है। डोली मंडल में स्टेमिना और पोटेंशियल है, कंस्ट्रक्टिव सोच है, और ऐसे में सामाजिक एक्टिविटी में भी अच्छा रहा। हम कोशिश करेंगे और मेरा प्रयास है कि भागलपुर का क्षेत्रफल नाथनगर से नहीं जाना जाएगा, भागलपुर के क्षेत्र इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि हर क्षेत्र में भागलपुर के नाथनगर जितना क्षेत्र है वह भागलपुर का एक पार्ट हो जाएगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र। आज आपको पता है 16 के बाढ़ में, आज जो कृषि बाढ़ में जो किसानों की क्षतिपूर्ति आज तक पैसा पड़ा हुआ है भागलपुर जिला में, आज तक उसको क्षतिपूर्ति दे रहा, दूसरा बाढ़ आ गया सरकार की। आप मानसा को आप समझ सकते हैं सरकार क्या सोचती है, किसान मर रहा है आज तक उसका भरपाई नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे रूबरू हुए थे वंचित समाज पार्टी के खुद खड़ा किए और लोगों के सामने इतना लोकप्रिय हो गए पूरे बिहार में, तो क्या पूरे दिल्ली में।